भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अगले 5 दिन के लिए बारिश को लेकर नया अपडेट जारी कर दिया है। दोस्तों, कई राज्यों में झमाझम बारिश होने वाली है। देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश ने दस्तक दे दी है और रोजाना झमाझम बरसात हो रही है। दक्षिण भारत में मानसून की वजह से बारिश हो रही है तो उत्तर भारत के कुछ राज्यों में भी प्री मानसून की बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही देश के सभी राज्यों में मानसून दस्तक दे देगा। वहीं दोस्तों, बात की जाए अगले 5 दिनों तक की तो दोस्तों कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा है कि पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों में अगले 5 दिनों के दौरान जमकर बारिश होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कई राज्यों में बारिश होगी। मौसम विज्ञान विभाग के ताजा ट्वीट के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और अन्य इलाकों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 16 से 18 जून के बीच में बारिश की संभावनाएं हैं। 17 जून को जम्मू, हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, रायलसीमा, केरल, माहे, कर्नाटक में 5 दिनों तक तेज बारिश होने वाली है। तेलंगाना में 15 से 17 जून, तमिलनाडु में 15 से 18 जून, कर्नाटक में 16 से 19 जून और दक्षिण कोंकण और गोवा में 18 और 19 जून को बारिश होगी। दोस्तों, अगले 5 दिनों तक बारिश की गतिविधियां कई राज्यों में बढ़ सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अगले 5 दिनों तक बारिश के साथ साथ आंधी तूफान के भी आसार हैं। झारखंड में 16 से 19 जून, जबकि बंगाल में 16 से 17 जून और बिहार में 15 से लेकर 19 जून तक बारिश होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी 5 दिनों तक तेज बारिश होगी। उत्तराखंड की बात की जाए तो दोस्तों, उत्तराखंड में 16 और 17 जून को पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ों पर बारिश को लेकर मौसम में तब्दीली शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, राजस्थान जैसे ड्राई प्रदेश की बात की जाए तो राजस्थान के 12 जिले में कई जगह झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। अटरू में 98 mm बारिश दर्ज की गई। जिले के कई जगह पर कल भी बारिश हुई जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। अटरू में 98 mm बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा दोस्तों, राजधानी जयपुर में भी मौसम सुहाना बन गया है और बूंदाबांदी से लेकर बारिश तक की संभावनाएं बताई जा रही है। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में निवास करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आने वाली वीडियोस में हम आपके राज्य के मौसम समाचार आप तक पहुंचा सकें। और इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।